हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले कि आईटीआई होता क्या है। व्हाट इज आईटीआई कोर्स इन हिंदी। तो आईटीआई में कैसे जा सकते हो, कौन कौन से कोर्सेस होते हैं आईटीआई में, और आईटीआई के बाद हम क्या क्या काम कर सकते हो, कौन कौन से स्कोप जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है आईटीआई के बाद, वो भी आज हम जानने वाले। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती है जॉब की वो भी बताने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आईटीआई आखिर होता क्या था। आईटीआई का मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है कि वोकेशनल कोर्सेस ऑफर करता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। इसमें जो है आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकते हो। उसमें जो आपको दो सर्टिफिकेट में मिल जाते हैं, एनटीसी और एसटीसी, मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। तो इसके बाद जो आपको अच्छा खासा जो जॉब भी मिल जाता है। तो उसके बाद देखते कि देखिए, तो यहाँ पे जो आईटीआई होता है, यहाँ पे जो है ना ट्रेड होते, मतलब अलग अलग कोर्स, जिसे हम कह सकते हैं कि अलग अलग कोर्स ट्रेड होते हैं। तो आप वहाँ पे जाके, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन होता है, प्लम्बर होता है, कारपेंटर, मैकेनिक, तो इस तरह से अलग अलग ट्रेड होते हैं। उसमें से जो आपको अच्छा लगता है या आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे जो थियरी क्लासेस होते हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिकल होता है, वर्कशॉप वगैरह, तो वो भी वहाँ पे होता है। और देखिए कि टाइप्स ऑफ द आईटीआई कोर्सेस कौन कौन से, जैसे इंजीनियरिंग ट्रेड्स में देखेंगे तो हम फिटर है, टर्नर है, वेल्डर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक, ऐसे जैसे होते हैं। उसके बाद नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स देखेंगे तो वहाँ पे भी जो अलग अलग ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ड्रेस मेकिंग, हॉस्पिटैलिटी, फोटोग्राफी। स्पेशल ट्रेड भी होते हैं, जैसे कि स्टेशनरी, हार्डवेयर फिटिंग, रोबोटिक्स होती है, मल्टीमीडिया, तो ये भी होते हैं यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ आईटीआई। उसके बाद देखेंगे कि एडमिशन प्रोसेस ऐसे होती है, देखिए इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 10th पास होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, तो आप आईटीआई कर सकते हो। हो सकता है कि कुछ जगह पे जो है एंट्रेंस एग्जाम भी हो, उसके बाद काउंसलिंग राउंड भी हो सकते हो। तो सिंपल यही कि आप अगर 10वीं पास है तो आप जो है आईटीआई के लिए जा सकते हो। उसके बाद जो ड्यूरेशन होता है या करिकुलम होता है आईटीआई कोर्स का, तो देखिए यहाँ पे आईटीआई जो है ना, तो आप कौन सा ट्रेड ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कुछ जो ट्रेड है वो 6 मंथ के ही है, तो कुछ दो साल के भी है, तो आपके ट्रेड कौन सा चूज करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। और जो करिकुलम होता है तो उसमें जो थेरोटिकल एंड प्रैक्टिकल सेशन दोनों सेशन होते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री विजिट्स होती है, वर्कशॉप होती है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये भी अच्छा है। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है अगर आप आईटीआई कंप्लीट करते हो। तो देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा जो पॉइंट है आईटीआई का, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि जो आईटीआई होने के बाद जो है बच्चे बहुत सारे खुद का या कंपनी या कुछ गैरेज वगैरह, जो मैकेनिक्स का ट्रेड लेते तो खुद का गैरेज वगैरह निकल सकते हो। और जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे कि अलग अलग सेक्टर में भी वो जॉब कर सकते हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी। और अगर उनको नई जॉब करना तो फर्दर स्टडी के लिए, मतलब जो अलग आप एडवांस स्टडी के लिए भी जा सकते हो, आगे डिप्लोमा या बैचलर डिग्री भी आप ले सकते हो उसके बाद, तो आपको वहाँ पे भी जो कोई दिक्कत नहीं आएगी।